दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों एयरटेल की तरफ से पर्सनल लोन वाला सर्विस लॉन्च किया गया। उस समय हमें जो है पर्सनल लोन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब जो है पर्सनल लोन आप लोग ले सकते हैं। एयरटेल की तरफ से पर्सनल लोन दिया जा रहा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अच्छे से आपको समझाने वाले हैं क्या कुछ चार्जेस लगेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट तक चार्ज किया जाएगा, सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको एयरटेल एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट कर रखे होंगे लेटेस्ट वर्जन में तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप जो है एयरटेल एप्लीकेशन में अपना अकाउंट को लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद बैंकिंग वाला ऑप्शंस मिलता है, बैंकिंग वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू करके गेट लोन की एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जब आप गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने पर्सनल लोन की इंटरफेस यहाँ पर आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑप्शंस आ चुका है। तो आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना अमाउंट एंटर करनी है। जो भी आपको लोन मिलता है पर्सनल, वो इंस्टेंट आपको मिलता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इंस्टेंट में यह लोन मिलता है यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस से। लोन अमाउंट कितना चाहिए वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। जैसे हमें 50,000 रुपया चाहिए, तो यहाँ पर 50,000 हमने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टेन्योर को सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर जो है कितने महीनों के लिए आपको ये लोन चाहिए, तो हमने 12 महीना सेलेक्ट कर दी। उसके बाद नीचे में आपको अपना पिन कोड दर्ज करना होता है। पिन कोड दर्ज करिए और व्यू लोन पर क्लिक करिए। व्यू लोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट बता दिया गया है, लोन टेन्योर बताया गया है जो कि एक साल हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिलो लेंडिंग पार्टनर, यानी कि यहाँ पर जो है हम इनके ये जो पार्टनर है इनका, इनके साथ जो है लोन ले सकते हैं और हम इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर EMI कितना बनेगा तो आप देख लीजिए, 4442 रुपया से लेकर 5641 रुपया तक आपका EMI बनेगा। इंटरेस्ट रेट बताया गया है मिनिमम 11.99% और यहाँ पर जो है मैक्सिमम बताया गया है 59.99%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का एक रेंज दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्विक अप्रूवल यहाँ पर हो जाएगा, जिसके लिए आपसे लो जो है प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करिए। दोस्तों सेलेक्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट का रेंज एक बताया गया है और ये जो आपको लोन प्रदान कराती है दोस्तों, वो यहाँ पर मिनिमम 3,000 और यहाँ पर मैक्सिमम 8,00,000 रुपया तक लोन प्रदान कराती है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट पिकअप वगैरह होता है दोस्तों, वो आपका डोरस्टेप होता है या फिर जो है ऑनलाइन ही आप यहाँ से अपलोड वगैरह कर सकते हैं। ये सारी बातें लिखी गई है। इसमें कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि आप देख लीजिए यहाँ पर विशेषता आप से कोई भी बड़ा चार्ज नहीं किया जाएगा। और आपको यहां पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट करता है आपको एक्सटर्नल पेज पर, जहां पर आपको ओके करना है और यहां पर क्रोम ब्राउजर से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे, लॉगिन अकाउंट के ऑप्शंस आएंगे। तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। जब आप गेट OTP पर क्लिक करते हैं दोस्तों, एक OTP आपको रिसीव होता है, जो कि अभी हम आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पर OTP हमारे पास आ चुका है, हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। हमने OTP डाल दिया, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल एंटर करनी है। जहाँ पर बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है, सबसे पहले पैन कार्ड नंबर, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद जेंडर, ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब आप क्या करते हैं, तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दो ऑप्शंस मिलते हैं। फादर्स नेम एंटर करना है, पिन कोड डालनी है और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। हमने सारा डिटेल एंटर कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर हमने क्लिक किया। दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर वेटिंग लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं लोन का एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल, यानी कि हम एलिजिबल है अप टू 10,000 रुपया तक के लोन लेने के लिए। और यहां पर जो है रीपेमेंट अप टू 90 डेज बताई गई है, जो कि हम इसे अनलॉक कर सकते हैं, यहां पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर 5,00,000 रुपया तक ये जो है इसे हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है। रीपेमेंट अप टू 90 डेज, यानी कि हमें जो रीपेमेंट कर देनी है दोस्तों, यहाँ पर 3 महीना पर रीपेमेंट कर देना है। और नीचे में जो 5,00,000 बताया गया है, ये अप टू 36 महीना का समय मिलता है, जो कि यहां पर आपको 3 साल का समय मिल जाता है। तो अगर हम यहां से अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। हमने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर देखिए, हमें बताया गया कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया तक के लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं।
इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो लोन है वो इंस्टेंट में मिल जाता है, आप हमेशा पेमेंट करिएगा टाइम पर, और यहाँ पर हायर अमाउंट आप ले सकते हैं टाइम पर अगर पेमेंट कर देते हो, इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर और भी देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल दर्ज करना पड़ेगा, जो कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी डालिए जिसमें आप ये पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। हमने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमने नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर दोस्तों क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अपलोडिंग योर बिजनेस अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो बिजनेस अकाउंट बैंक स्टेटमेंट है उसका यहाँ पर जो है स्टेटमेंट अपलोड करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है, तो यहाँ पर आप जो है बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। जो बैंक यहाँ पर नहीं बताया जाता है उस बैंक को आप सर्च कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहां पर सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहां पर बैंक पीडीएफ स्टेटमेंट आपको यहां पर डाल देनी है, जो कि आप देख लीजिए। इस पर क्लिक करिए और अपलोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहां पर सबमिट करिए। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग से लॉग इन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम यहां पर एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किए, तो एक्सिस बैंक में क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग से लॉग इन करोगे तो ऑटोमेटिक वहां पर स्टेटमेंट फेच कर लेगा इंटरनेट बैंकिंग से। तो आप यहां पर इंटरनेट बैंकिंग डालकर उसके बाद ऑथराइज कर देना, या फिर आप यहां पर मैन्युअली बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट डाल दिया है पीडीएफ रूप में, जो कि आप देख सकते हैं अभी जो है हमने डाउनलोड करके डाला है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपका पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दर्ज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हमने अपलोड किया, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग जो कि लिखा गया है, जो कि आप देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खंगाला जा रहा है स्टेटमेंट से। हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि यहां पर स्टेटमेंट जो आपको अपलोड करने होते हैं वो यहां पर मिनिमम 6 मंथ का आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ओबीडी देख लेते हैं। ओबीडी क्या होता है, तो इसमें आपको जो है एड्रेस वेरिफिकेशन वाला आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने एड्रेस से कलेक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो है डिजिटल प्रोसेस है दोस्तों, अभी डिजिटल प्रोसेस के मदद से आप जो है यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके लोन काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और उसके बाद जो भी आपको लोन दिया जाता है वो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जहाँ पर बता दिया गया कि 10,000 रुपया तक हम एलिजिबल हैं। इस प्रकार से आप जो है काफ़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। इसकी आगे का हम प्रोसेस आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें लोन नहीं लेना है। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है इंस्टेंट में डिजिटल प्रोसेस की मदद से, एयरटेल की तरफ से जो पार्टनरशिप करके दिया जाता है उससे लेना है, तो आप जो है यह प्रोसेस कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। जब आपका लोन अप्रूवल होता है तो उसी समय इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको लगेंगे। हालाँकि शुरुआत में आपको रेंज बता दिया जाता है कि कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इतना लगेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं, जब यहां पर लोन अमाउंट बता दिया जाता है, तब आपको वहां पर यह दिखा दिया जाता है कि आपको जो है कितना यहां पर लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लगने वाली है। तो यहां पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।